नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एबीपी न्यूज इस वक्त आप देख रहे हैं। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आज ऐतिहासिक और खूबसूरत दिन है, गणतंत्र दिवस। आप सभी को इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज से दो हफ्ते बाद यूपी में पहले दौर की वोटिंग भी होगी। पहले चरण में सभी सीटें वेस्ट उत्तर प्रदेश की है, यानी मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा और बागपत जैसे जिलों में यहाँ वोटिंग होने वाली है। ये वो इलाके हैं जिसे जाट लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि जाट यहाँ पर बड़ी तादाद में है। भाई पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 4% जाट है, लेकिन अगर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें तो 17% है। और इसीलिए हर किसी की नजर यहाँ टिकी हुई है। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वेस्ट यूपी का जाट वोटर लगातार 3 चुनाव में खुलकर बीजेपी का साथ दे चुका है। सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनावों में 51% जाट मतदाताओं ने बीजेपी को वोट दिया, माफ कीजिएगा 91 और जाटों के वोट की बदौलत लगातार 2 चुनावों में राष्ट्रीय लोकदल के नेता दिवंगत अजीत सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी बीजेपी से चुनाव हार गए। लेकिन इस बार चुनाव कुछ अलग हालात में हो रहे हैं। 1 साल तक किसानों का आंदोलन चला, जिसकी वजह से जाट वोटर बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जाटों की नाराजगी को दूर करने के लिए ही अमित शाह ने जाट समुदाय के करीब 250 नेताओं को दिल्ली में मिलने के लिए बुलाया। वही तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बैठक अभी भी दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर चल रही है। वो खुद सांसद है वेस्ट यूपी से। क्या बीजेपी जाटों की नाराजगी दूर कर पाएगी? क्या किसान आंदोलन की वजह से वाकई जाटों पर बीजेपी का असर कम हुआ है? सवाल ये भी कि क्या यूपी के जाट और मुस्लिम वोटर मुजफ्फरनगर के दंगों को भूल चुके हैं? आज की हुंकार इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द। लेकिन पहले आप देखिए कैसे ये नया मिशन जाट लैंड शुरू हुआ है बीजेपी की तरफ से। आदरणीय अमित भाई शाह जी को हम अपने अतिथि के तौर पर उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सब जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। यूपी में जाट लैंड की सियासी जंग शुरू होने से ठीक पहले अमित शाह जाटों को एकजुट करने के मिशन पर लग गए हैं। दिल्ली में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर गृह मंत्री अमित शाह ने जाट समुदाय के 250 से ज्यादा नेताओं को मुलाकात के लिए बुलाया। सामाजिक भाईचारा बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के नेता जुटे। बीजेपी का दावा है कि जाट समुदाय हमेशा की तरह इस बार भी बीजेपी के साथ खड़ा है। कितनी बार हमारा लिटमस टेस्ट लोगे, 14 में थे, 17 में थे, 19 में थे और इस बार भी रहेंगे। मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी का, उसे हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। पश्चिम उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव को नहीं मुख्यमंत्री बनने देखना चाहता। चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश का, जाट समाज लोग, जाट देवता लोग सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। गृह मंत्री जी जो आएंगे वो सभी से चर्चा करेंगे, एक ही बैठक के रूप में। कोई यहाँ पर कोई अपना रैली या कोई ऐसा भाषणबाजी नहीं, सभी अब कोई अपना नाराजगी का विषय नहीं है। वो बात, वो जो एक आंदोलन था वो समाप्त हो चुका है और अभी सब ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट करीब 17% है। 45 से 50 सीटें ऐसी है जहां जाट वोटर्स तय करते हैं जीत और हार। लेकिन करीब 1 साल तक चले किसान आंदोलन की वजह से कहा जा रहा है कि जाट कहीं इस बार बीजेपी से दूर ना हो जाए। किसान तो अलग अलग विचारधारा पर अलग अलग जा रहा, सब जगह चला जाएगा, जहां उसको जाना हो ना हो किसी को बताएगा मैं कहां जा रहा। अपनी फसल आधे रेट में बेच के उसको कहां वोट देनी वो सब जानता है, दे लगाओ जहां दे। दिल्ली में जहां अमित शाह जाट नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट करके खुद को किसानों का हमदर्द बताया है। किसानों के परिवार के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर ट्वीट करके समाजवादी पार्टी ने लिखा, किसानों का सम्मान समाजवादियों की पहचान। तो जाटलैंड से किसको आशीर्वाद मिलेगा जीत का? पुष्पेंद्र सिंह साहब अध्यक्ष किसान शक्ति संघ के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह साहब किसान नेता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता
बीजेपी के इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जितेंद्र त्रिपाठी जी, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, और अनिल दुबे सचिव है राष्ट्रीय लोकदल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आपको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। ये गणतंत्र दिवस के दिन आपका जय जवान जय किसान नारा बुलंद करते हुए पगड़ी पहनना और पहनाना जाट नेताओं को क्या बता रहा है? नाराजगी का डर है, इनके छिटक जाने का डर है, या नाराजगी दूर करने का ये तरीका है? देखिए रुक्का जी, मैं सबसे पहले आपको, हमारे पहले साथियों को और सारे दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जी सर। देखिए, जाट हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। आप ही ने बताया कि किस तरह से 91% जाटों ने, समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में भी समर्थन दिया। 2019 के चुनाव के पहले भी इस तरह की खबरें लोग फैलाते थे कि जाट समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, और तब भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी, इन तीनों का गठबंधन हुआ था। लेकिन जाट समुदाय ने देखा कि जो इस देश का विकास करे, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास की बात करे, उसके साथ जाट समुदाय भी पूरी तरह से खड़ा रहा। और जाट समुदाय मुजफ्फरनगर के दंगों को कैसे भूल सकता है? हजारों हजार जाट परिवार के सदस्यों को फर्जी केसों में फंसाया गया था। नहीं, पर किसने फंसाया था? यही अखिलेश यादव जी। साल भर जो किसान आंदोलन चला है वो भी तो नहीं भूलेगा ना, वही डर तो आपको सता रहा है? नहीं, बिल्कुल डर नहीं सता रहा है। वो जानते हैं कि किसानों का हित, वो बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ कौन खड़ा रहा है, और गन्ना मिले कौन बेच दे रहा था? यही अखिलेश सिंह यादव और सुश्री मायावती थी जो उत्तर प्रदेश में गन्ना मिले बेच दे रही थी, और गन्ना मिले औने पौने दामों पे बेच कर किसका हित साध रही थी? हमारे जाट भाइयों का हित साध रहे थे? बिल्कुल नहीं साधा है। उन पर फर्जी मुकदमे करके उनका हित साध रहे थे? जाट बहन बेटियों की जब गुंडे छेड़खानी करते थे और भाई उनकी सुरक्षा करने जाते थे, तो उनके हत्यारों को पुलिस थाने से आजम खान किस तरह से छुड़ाते थे, ये जाट भाई कैसे भूल जाएंगे? अनिल दुबे जी, अनिल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों को नहीं भूलने वाला है, जाट बीजेपी से दूर नहीं जाने वाला है, जाट इस बात का ख्याल रखने वाला है कि कैसे जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग उनकी बहु बेटियों को परेशान करते थे, उनको योगी सरकार ने जेल की सलाखों के पीछे डाला है, ये सब याद रखेगा जाट वोटर। रूबिका जी, प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे हैं वो उनकी मजबूरी है, उनको पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ना है और उसी पर उनको बात करनी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने की बात उन्होंने की थी, लेकिन किसानों की आमदनी तो दोगुनी हुई नहीं, लागत जरूर 4 गुना बढ़ गई। किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य गन्ना किसानों को नहीं दिया गया। 5 साल में सारे देश में हर चीज़ की महंगाई बढ़ी, लेकिन गन्ना किसानों का मूल्य सरकार ने बढ़ाने की ज़रूरत नहीं समझी। बिजली के दाम वसूले गए, नौजवानों को लाठियां दी गईं, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया गया, किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिला, और 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे किसानों के बारे में सरकार ने कुछ भी सोचने का काम नहीं किया। 700 किसान शहीद होते गए और इस सरकार ने किसानों की शहादत पर एक भी शोक श्रद्धांजलि देने की जरूरत नहीं समझी, उस पर इनके एक भी आंसू नहीं गिरे। वही बात कि साल भर किसानों ने जो आंदोलन किया है उसमें बड़े लेवल पर जाट किसान भी मौजूद थे जो खेती बाड़ी करते हैं, जो किसानी करते हैं, और वो वेस्टर्न यूपी में अच्छा खासा दबदबा रखते हैं। आप कहते हैं वो बात नहीं भूल पाएंगे, और इसीलिए आप समाजवादी पार्टी के साथ एक मजबूत कॉम्पिटिशन वहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जितेंद्र त्रिपाठी जी भी बने हुए हैं जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले वीरेंद्र सिंह जी, तो फिर अगर इतनी नाराजगी है तो ये अमित शाह को साफा पहनाने वाले कौन है? ये जाट नहीं है क्या? देखिए रूबिका जी, मैं अपनी बात शुरू करूं, सभी देशवासियों गणतंत्र की हार्दिक बधाई हो आपको और अपने
पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत दिन बाद हम आमने सामने आए, पुष्पेंद्र जी के आए हैं। दुबे जी बात बता रहे हैं, कुछ दुबे जी लखनऊ के रहने वाले हैं, वेस्टर्न यूपी की कल्चर को वेस्टर्न यूपी में रहने वाला समझ सका है। दुबे जी वहां बैठ कर ना बोले, रहमे तो फिर इधर आ जाए मेरठ मुजफ्फरनगर कहीं आकर रहमे, यहां रहमे गांव में रहमे, तो पता लगेगा जाट क्या। जाट की सोच हमेशा नेशनलिस्ट सोच रही है, ये राष्ट्रवादी सोच के लोग रहे हैं, अपने हकों के लिए संघर्ष करना ही जानते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से जितने बड़े हमले हुए हैं, हमले सब ये दिल्ली के आसपास वाले लोगों ने झेले हैं। अमित शाह जी आज आए, अमित शाह जी ने लोग बुलाए, बहुत कड़वी बात है। बीजेपी के मेरे मित्र, हो सकता है मिश्रा जी भी ये नाराज होने लगे, भाई 5 साल 17 से 19 में जब चुनाव आवे जब ही क्यों बुलाओ इन्हें, जब चुनाव आवे है जब ही क्यों बुलाओ, हो पहले भी तो बुला सको कि भाई क्या दिक्कत हो रही, राजीव कुंसी पहले भी तो पूछ ले ना, या अस्पताल में जब बीमार हुआ जब ही आवे है। अमित शाह जी आए, बात सुनेंगे, लोग गए हैं बात करने, हम पे भी बुलावा था लेकिन हम तो नहीं जा पाए, मेरी तबियत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं जा पाए। ये 5 साल में ही क्यों बुलावे हैं, चुनाव के टाइम क्यों बुलावे, उससे पहले बुला लो। देखिए है क्या चक्कर कि बीजेपी जो वो 2013 का मसला है ना, मैं एक मिनट फालतू लेना चाहूंगा रूबिका जी, बाकी लोगों ने अखबारों में सुना होगा, मैं उस दंगे में जेल में रहा हूं, मेरे ऊपर आज भी 4 केस लगे हुए हैं, मैं अभी भी तारीख भुगत रहा हूं, मैं मुक्त भोगी हूं, मेरे से ज्यादा कौन जान सके। पहली तारीख की जो पंचायत से लेकर और वो 7 तारीख की पंचायत के बीच में मेरे कॉल पे पंचायत थी 7 तारीख की, उससे पहले मुझे गिरफ्तार कर लिया था, हम भुक्त भोगी हैं, हमारे साथ क्या मुसीबत है, हमारी चॉइस नहीं है। बीजेपी ने बर्ताव ठीक नहीं करा, चलो छोड़ दो, समाजवादी ने कौन सा ठीक करा, जब से ये पावर में आई है पार्टी 91 से, जब से मुलायम सिंह जी पहली बार तो उसमें आए थे जनता जनता पार्टी के, उसमें 91 से जब से शुरू हुए थे 93-96, इन्होंने जो हाल करा है, हर आदमी पूरा बैठा दिया, पूरी एक बिरादरी ऐसी हावी कर दी कि मुजफ्फरनगर के 26 थानों में से 24 थानों में यादव रखे जावे थे, अफसर यादव लावे जावे थे, कोई किसी वास्ता नहीं था, सब लूट के खा गए, सबने नोएडा में जाके मकान बना लिए, हमारी यहां नहीं सुनी किसी ने। अभी भी क्या है, अब भी ये हो रहा है कि पिछले 5 साल में योगी जी के राज में एक यहां कप्तान बैठा मुजफ्फरनगर में, ये एमएलओ को तो पावर इन्होंने दी नहीं के काम कर सके। लोग नाराज क्यों हैं, लोग नाराज इसलिए कि एमएलए इफेक्टिव नहीं था काम करने में, उसे काम करने लायक आपने छोड़ा नहीं, अब वो जब एमएलए काम नहीं कर पाया तो ये जो जनता है वो क्या करेगी, नाराजगी कहीं ना कहीं दिखावेगी। एक यहाँ 27-28 महीने से कप्तान बिठा रखा मुजफ्फरनगर में, उसे को बदलने उतर गया। आज आप बहुत नाराज दिख रहे हैं और नाराज आप हर पार्टी से दिख रहे हैं, तो फिर अब सवाल ये है कि फिर जाट ने जाट जाएगा कहाँ, किसको आशीर्वाद देगा जाट, जाट आखिर में ऐसी तैसी करवा होगा अपनी और आखिर में बीजेपी के साथ जाएगा, क्योंकि ये सामने तो लौंडिया उठाने वाले बैठे हैं, ये लड़कियों को उठाने वाले बैठे हैं, ये रात को ट्यूबवेल के चोरी करवाने वाले बैठे हैं। योगी जी ने क्या कुछ और करा हो ना करा हो, रात की बिजली दे दी, रात को चांदने में रोटी खाने लगे लोग, सड़कों की सुरक्षा होगी, लुटाई बंद होगी और लड़कियों की छेड़छाड़ बंद होगी, ये योगदान योगी जी का है इस बात पे। यही अपने आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर है, क्योंकि आपने बहुत सारे बड़े आरोप जो लगाए हैं उसका उसका जवाब भी लेना है यहाँ पर, और इसीलिए जितेंद्र त्रिपाठी जी आपने सुना है क्या कुछ उन्होंने कहा, और जितना कड़वे शब्दों में जितना कटु शब्दों में कहा जा सकता था कह दिया उन्होंने, इनके जवाब चाहिए जितेंद्र जी। लड़कियां उठा ले जाते थे, सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों को थानों पर बिठा रखा था, थोड़ा थोड़ा जी सब सुना मैंने। पहले तो मैं आपको गणतंत्र दिवस की आपको और आपके दर्शकों को पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं। मैं आज पहली बार मैं आपके चैनल पे आया हूं, शायद यही लिखा था कि मैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन आपके पास आऊं। और आपका बहुत पहले मुझे इनके थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। पहले मैं इनका जवाब दूं जो हमारे बड़े भाई साहब ने अभी बोला कि अमित शाह जी का जो मीटिंग चल रही है उसका, पहले ये मुझे क्लियर करते हैं तो मैं उसी हिसाब से शुरू कर लेता हूं। हाँ चलिए, तो मैं पहले इनके इनकी बात का जवाब देते हुए शुरू करता हूँ। ये जो कह रहे हैं कि लड़कियां उठा, थोड़ा शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए थी, थोड़ा ज्यादा ही बुरा लग रहा था, बट एनीवे
मैं आपको बड़े आदर के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो लड़कियों के साथ जो हो रहा है वो इस सरकार में भी हो रहा है। थाने आज भी बिक रहे हैं, थानों पे एक जात के लोग आज भी बैठे हैं, एक जात का आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में एक जात का राज है और सिंग इज किंग चल रहा है। तो उस बात को छोड़ दिया, अभी बात यह हो रही है कि जाटों को कैसे अमित शाह साधेंगे और किस तरह साधने आया और जाटों के साथ क्या किया। ये सबको पता है कि 2019 में जाटों ने करीब 91% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया, और इसका मतलब यह है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में लगभग 80-85% जाटों ने बीजेपी को वोट दिया होगा। बीजेपी बताए कि जाटों के लिए किया क्या। ये जो जाट हैं इसमें ज्यादातर सारे किसान जो बैठे थे वहां सिंघू बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, इसमें ज्यादातर जाट भाई थे, कुछ मुसलमान भी थे, लेकिन मुसलमानों का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, बीजेपी का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। तो मैं खाली किसान और जाट की बात करूंगा, ये 14 महीने जो जाट भाई किसान भाई वहां बैठे रहे, बीजेपी का कौन सा नेता था या अमित शाह जी को फुर्सत मिली वहां जाने की, या बीजेपी का कौन सा मंत्री था, कौन सा नेता था जो जाटों के घाव पे मलहम लगाने वहां टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे गया हो। सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात, मरते जीते रोते कलकते कांपते जाटों ने वो आंदोलन किया, किसानों ने वो आंदोलन किया। कहां से अमित शाह जी तब? तब तो कहते थे बक्कर उधार देंगे योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से। ये ट्वीट किया गया कि राकेश टिकैत अगर लखनऊ में दिखाई पड़े तो बक्कर उतार देंगे। जिंदगी चलती रहती है, काम चलते रहते हैं, आंदोलन होते रहते हैं, शिकायतें होती रहती हैं, लेकिन जब यहां पे लगती है, जब अपमान होता है तो दिल घायल होता है। आज हमारे जाट भाइयों का और किसान भाइयों का दिल घायल है। बक्कल उतार देंगे? जाटों के लिए किया क्या है? गन्ने का बकाया अभी तक बाकी है, बिजली के रेट उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा है, बगल में हरियाणा है, जहां बीजेपी की सरकार है। मैं शुक्ला जी से आपके इन सारे सवालों का जवाब लूंगी, वो आप जब मुझे आप जब पुष्पेन जी से भी मुझे एक ओपनिंग रिमार्क लेना है, लेकिन आपके पीछे मुझे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तस्वीरें दिखाई दे रही है लाल टोपी में। वो कितनी दफा जो है अलग अलग बॉर्डर पर जो किसान नेता उस वक्त बैठे हुए थे उनसे, लखीमपुर छोड़ दीजिएगा, उसके बाद आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ किस किस से मिलने गए। जवाब दूं? देखिए रूबिका जी, किसानों का आंदोलन सरकार से वो मांग कर रहे थे, सरकार की नीतियों के खिलाफ था, तो किसी को अगर जाना था, किसानों की समस्याओं को सुलझाना था, तो वो सरकार थी, सरकार के मंत्री थे, और वैसे भी किसानों ने इस आंदोलन को राजनीति से दूर रखा था, तो किसी भी पार्टी का जो राजनेता था वहां जा ही नहीं सकता था, इसलिए ना हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गए। त्रिपाठी जी, ऐसा नहीं है, बहुत सारे पार्टियों के अलग अलग नेता गए हैं, पर मैं ये कह रही हूं कि आप किसानों के साथ वहां पर क्यों मुलाकात करने के लिए खुद अखिलेश यादव इन नेताओं के आसपास नजर नहीं आए, एक वजह तो आप मुझे बताइए ना। वो पुष्पेन जी बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा, मैं अगर गलत बोलूं तो बता देंगे, उसको वेरीफाई कर देंगे, उसकी तस्दीक कर देंगे वो। आप पुष्पेन जी से पूछिए कि राजनेताओं का मंच पे जाना, इधर उधर किसानों के पास जाना मना था? अरे भाई, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से हम कह रहे हैं कि किसी मंच पर कोई भी राजनेता नजर नहीं आया है, लेकिन फिर भी डायस पर ना जाकर किसानों के साथ खड़े बहुत सारे नेता नजर आए हैं। किसान वहां ऊपर डायस पर थे और नीचे 11-12 दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता वहां पर दिखाई दिए थे। मैं कह रही हूं अखिलेश यादव कहां थे? आप तब ये सवाल उठा सकते हैं बाकी तमाम नेताओं से जब अखिलेश यादव वहां उन नेताओं के साथ मौजूद रहते। त्रिपाठी जी, अब रुक जाइए, क्योंकि मैं पहला राउंड खत्म करना चाहती हूँ, पुष्पेन जी से ओपनिंग रिमार्क चाहती हूँ, क्योंकि आप खुद भी चाह रहे हैं कि पुष्पेन जी से पूछ लिया जाए। पुष्पेन जी, जाटों की बात आ रही है, और जाटों की जब बात होगी तो किसानों की बात होगी, किसानों की जब बात होगी तो साल भर चले किसान आंदोलन की बात होगी, और किसान आंदोलन की बात होगी तो उस पल की भी बात होगी जब तीनों कानून वापस ले लिए गए, तो गुस्सा ठंडा हुआ कि नहीं? अनम्यूट है पुष्पेन जी, आप अनम्यूट कर दीजिए पुष्पेन जी। नहीं पुष्पेन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं आवाज दुरुस्त करवाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तब तक ऐसा करते हैं कि ये जो पहला राउंड था जिसमें
जाट नेता यहाँ बैठे हुए आपको दिख गए जो ये कह रहे हैं कि उनको सबसे शिकायत है, लेकिन आखिर में वो करेगा क्या? उसके सामने कोई और चारा नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ शिकायत उन तमाम पार्टियों से भी है जो लंबे अरसे तक राज करते रहे, लेकिन जाटों का या इस वेस्टर्न यूपी में किसानों का भला नहीं कर पाए। कहते पुष्पेंद्र जी, मैं चाहती हूँ पहले आप ओपनिंग रिमार्क दे दें और उसके बाद मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, अभी आ रही है, बेहतर। मेरा कहना ये है कि जब भी किसी समुदाय की नाराजगी होती है, जाट समुदाय जो है उसमें 90% किसान है। किसान आंदोलन वापस होने के बाद, उसकी मांगे मान लेने के बाद, हालांकि सारी मांगे नहीं मानी गई, कुछ ना कुछ नाराजगी कम होती है, पहली बात। दूसरा, यदि उस समुदाय को बुला करके आप उसकी समस्याएं सुन लें तो निश्चित रूप से जो एक कोई खाई होती है वार्ता के माध्यम से, वो भी कहीं ना कहीं कमरे का काम हो जाती है। तो एक तरफ तो ये चीजें हैं कि वार्ता शुरू करी गई है भाजपा की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ जो मांगे हैं वो भी खड़ी हुई हैं, जैसे टेनी का इस्तीफा नहीं हुआ है, मुकदमे वापस नहीं हुए हैं और MSP पे लीगल गारंटी नहीं मिली है। लेकिन उसके मुकाबले दूसरी तरफ इस वक्त जो है, मुझे लग रहा है कि जाट समुदाय न्यूट्रल पोजिशन में आ गया है। जो माहौल किसान आंदोलन ने बनाया था उसका लाभ तो विपक्षी दलों को मिला है। इनको क्या तकलीफ थी, इन्होंने क्यों बुला करके और क्या क्या चीजें हमें मैनिफेस्टो में डालनी चाहिए समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय लोक दल ने, इसे तो आज तक कोई नहीं पूछा। किसी किसान नेता को इन्होंने फोन करके बताया हो, बुलाया हो, सम्मान दिया हो, हमने आपने माहौल बना दिया, अब हम जाकर के चुनावी फसल काट लेंगे। लेकिन आपने किसी सम्मान दिया हो, किसी को पूछा हो मैनिफेस्टो में क्या डालें, किस तरीके से हम आपकी बात उठाएं और क्या आप चाहते हैं, इस तरह की कोई मीटिंग इनको भी समझ होनी चाहिए। अगर भाजपा इतनी नाराजगी के बावजूद मीटिंग बुला करके नाराजगी को दूर करने का काम कर सकती है, तो क्यों अखिलेश यादव ने या जयंत चौधरी ने एक संयुक्त मीटिंग यहाँ मेरठ में बुलाते हैं या सभी लोगों को बुला करके सम्मान देते और पूछते क्या क्या और चीजें मैनिफेस्टो में चाहिए, आपको बताइए। बहुत वाजिब सवाल पूछ रहे हैं पुष्पेंद्र जी यहाँ पर। वो ये कह रहे हैं किसान नेता आंदोलन करे साल भर और रोटी सिक जाए, घी लगाकर आप खा लें, ऐसा नहीं हो सकता ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे जवाब देना? बिल्कुल आपको ही देना। देखिए पुष्पेंद्र जी एक बहुत सम्मानित किसान नेता है, मैं इनको बहुत सुनता रहता हूँ, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूँ। रही बात जो इन्होंने एक शिकायत की है, ये सच है कि आपको नहीं बुला पाए होंगे, इस पर कोई डाउट नहीं है। आप अगर कह रहे हैं तो निश्चित रूप से आपसे बात नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी का गठबंधन RLD के जयंत जी के साथ हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छे आदमी है। जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी से तो बात चली रही होगी। हमारा मैनिफेस्टो अभी आना बाकी है, अगर नहीं पहुंच पाए हैं आप तक तो जरूर पहुंचेंगे आप तक। आपकी बातों का, आपकी शिकायतों का, आपके जो कंसर्न्स हैं उसका कहीं ना कहीं 100% संज्ञान लिया जाएगा, ये मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं अब तक बुलाया नहीं गया कि बुला दिया है लेकिन पुष्पेंद्र जी को नहीं बुलाया? पुष्पेंद्र जी खुद को बुलाने के लिए यहाँ पर नहीं, वो अपनी सिफारिश नहीं कर रहे हैं? आपको हर मीटिंग के बारे में पता होगा, BJP तो साफे बनवा रही है, आप जाट नेताओं को बुलाएंगे? ऐसा तो नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जाट नेताओं को बुलाएंगे और साफे वाली तस्वीरें नहीं दिखाएंगे? जालीदार टोपी तो दिखती थी ना सब जगह, शान से दिखती थी, तो वो जाटों का साफा भी दिखा देते आप? सब दिखाएंगे, सब दिखेगा, थोड़ा सा मैनिफेस्टो हमारा आना बाकी है, बाकी थोड़े रेस्ट्रिक्शंस जो है चुनाव आयोग ने लगाई दिए हैं, आप देख ही रही हैं। तो पुष्पेंद्र जी का जो कंसर्न है वो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी पुष्पेंद्र जी और कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, आपने उसके बाद हम तो अभी पुष्पेंद्र जी भी कह रहे थे, प्रेम शुक्ला जी सुना, त्रिपाठी जी कह रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा इस तरीके का कार्यक्रम करेंगे जहां जाट नेताओं को बुलाया जाएगा, सारी शिकायतें दूर की जाएगी, इनफैक्ट मैनिफेस्टो के पन्ने भी उन्हीं के डिमांड पर भरे जाएंगे। चलिए अच्छा है, अच्छी अच्छी सोच है उनकी, आदरणीय पुष्पेंद्र जी के सलाह का पर वो अमल करेंगे, इसका भी स्वागत होना चाहिए। वैसे आदरणीय अखिलेश सिंह यादव जी और कितने समूहों के साथ इस तरह की वार्ता कर चुके हैं, यह भी सबके सामने है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास बात करती है, तो सारे समुदायों के लोगों से सतत संवाद संस्थापित करने का प्रयास जारी रहता है। अब अगर ये भी इसका अनुकरण करना चाहें तो अच्छी स्वस्थ राजनीतिक परंपरा प्रारंभ होगी। मैं जितेंद्र जी, आप निश्चित तौर पर लोगों को बुलाएं, अच्छा लगेगा। त्रिपाठी जी, हाँ मैं कहना चाह रहा हूँ,
ये जो आप बता रहे हैं कि वो जो शाह जी जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं और कोई उनसे मंत्रणा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शाह जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकी हुई है, बालू की तरह हाथ से समय फिसला जा रहा है, इसलिए वो किसान नेताओं को जाट नेताओं को साधने के लिए वहां पे गए हैं। किया उन्होंने कुछ नहीं है। 91% 2019 में वोट लेने के बाद जाटों का किसानों का क्या हाल किया है वो सब सामने है। जाटों के बच्चे, जाटों की तरुणाई बीजेपी के साथ पीछे पीछे भागती थी, जय भाजपा जय भाजपा जय श्री राम जय श्री राम। क्या उनका हाल कर दिया? कितना आपने उनको रोजगार दे दिया? बिजली का हाल मैं जो अभी बोल रहा था उसी हरियाणा में डबल इंजन की। यहीं पर एक और जाट चेहरा बैठा हुआ है जो क्या कह रहे हैं, आपने सुना? आपने सुना वो क्या कह रहे थे? दुबे साहब को उन्होंने क्या कहा कि आप लखनऊ में रहते हैं, आपको नहीं पता है, आसपास के इलाकों में आइए और समझिए जाटलैंड का कल्चर क्या है, उनकी शिकायतें क्या हैं। राम देने का हमारे हमारा बस नहीं है, वो कुछ भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, मैं उनपे कुछ नहीं कह सकता। वही तो जाट नेता या जाट भाई नहीं है और जाट भाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन अगर वो देखिए ये जो है ना, अब त्रिपाठी जरा चुप होकर सुन लो, त्रिपाठी जी चुप होकर सुन लो, कहीं मालूम कर लो, राकेश को बुला लो, भैया नॉलेज में होगा कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पर कितनी बार लाठीचार्ज मुलायम सिंह के जमाने में हुआ। और यही नहीं, राकेश की माँ, राकेश की माँ पिताजी बाराबंकी जेल में थी, वहां जेल में लाठीचार्ज हुआ था, उससे पहले उनका कोई इंजेक्शन लगा था वो फंस गया था, उस पर लाठी लगी थी, फिर उसके बाद वो यहां मुजफ्फरनगर हॉस्पिटल में दाखिल रही थी कई दिन। हमें तजर्बा पुराना है, हम पुरानी बता रहे। ये त्रिपाठी जी हर तो बेचारे थोड़े दिन पहले लाल टोपी पहनी इन्होंने, इन्हें पता नहीं है कुछ भी। अच्छा होता आज जो है, आज खाली पुष्पेंद्र और मेरे अलावा बाकी पार्टियों के भी जाट नेता बुलाते, यहां के वेस्टर्न यूपी के होते हुए बताते। मैं ये कह रहा हूं जाट के सामने कोई चारा नहीं है, मजबूरी है अपने घर की सुरक्षा और अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी लुटाई बचाने के लिए कि भाई हम लुटना जा सरे, हम मजबूरी में बीजेपी को वोट देनी है, इसके बगैर हमारी सेफ्टी नहीं होने की। शुक्ला जी, कोई रास्ता नहीं है, ये लाख खराब हो भाजपा वाले, शिकायतें हैं, कोई और चारा नहीं इन है। इन यादवों से आप इतने में खुश हो जाएंगे कि कोई और चारा नहीं है कि शिकायतें दूर करने की कोशिश होगी? वीरेंद्र सिंह जी कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, मैं वीरेंद्र जी का बहुत सम्मान करता हूँ और जो भी शिकायतें हैं उसको हर संभव दूर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करेगा। हमने कुछ काम किया, हमसे बहुत सारा काम बाकी है। हम निश्चित तौर पर जो है समाज की सेवा के लिए, आपके हितों की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और भविष्य में भी सतत सेवा में स्वयं को समर्पित किए रखेंगे। नहीं, पर ये तो आपने वो लाइनें कह दी है जो हर मन से कही जाती है। असल बात जो इस वक्त एक जाट नेता सुनना चाह रहा है या एक असल जाट जो सुनना चाह रहा है वो क्यों आप लोग नहीं कह पा रहे हैं? जी क्या क्या सुनना चाहता है? जी, मेरी समझ मजबूरी में देंगे वो, आप ही बताइए, लेकिन देंगे बीजेपी को जैसा वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं। नहीं देखिए, मैंने आपको बताया जाट आरक्षण का सरकार की एक मीटिंग हुई थी 2016 में बुलाई थी और अमित शाह जी थे उसके सूत्रधार भी। उससे पहले मार्च 2015 में जब जाट आरक्षण खारिज हो गया था, प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पे ऐसी एक मीटिंग बुलाई थी जो 250-300 जाट थे, तो जाट आरक्षण उन्होंने वायदा किया था प्रधानमंत्री जी ने, अमित शाह जी ने भी, वो वायदा आरक्षण नहीं हुआ। तो सरकारें तो दोनों तरफ से ही ऐसी है, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, ना तो कोई किसानों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके ये तो हमारे हो ही गए हैं, हवा इन्होंने बनाई दी है, अब इनको हम नहीं पूछेंगे, ना इनसे सलाह मशवरा करेंगे, और ना ये समझे कि हमने सारे वायदे पूरे कर दिए, केवल पगड़ी पहना दिए तो ये समाज खुश हो जाएगा। हमें बहुत सोच समझ के लास्ट अपने पत्ते नहीं खोलने चाहिए और अपने हितों को साधते हुए इसमें करना चाहिए। जी बाप रे पुष्पेंद्र जी, आज आप एकदम अलहदा नजर आ रहे हैं, आपने सस्पेंस बिल्कुल बढ़ा दिया है। आप हर बार मुखर और प्रखर होकर जो बातें रखते थे आज एकदम उसके इतर आप नजर आ रहे हैं, और इतर क्या, आप सेंटर में नजर आ रहे हैं। यानी आज लग रहा है कि जाट लाइन में पहुंचकर कोई भी कंफ्यूज हो जाता है, क्या क्या त्रिपाठी जी, क्या शुक्ला जी, क्या दुबे जी, पुष्पेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह के सामने सब कंफ्यूज। एक मैं चीज और जोड़ना चाहता हूँ, देखिए जिस प्रकार का टिकट वित्त हुआ है, जिस प्रकार की जो सीटें जाटों की सीटें हुई थी मिलती थी जाटों को, वो सीटें
तमाम जो है या तो समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं या समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट इस पर लड़ रहे हैं, तो हमारे यानी कि राष्ट्रीय लोक दल के या जाटों के जो कैंडिडेट हैं उनका क्या होगा, इस विषय में भी नाराजगी है। तो इस चीज पे व्यापक विमर्श नहीं किया गया है, टिकटों के वितरण पे भी नाराजगी है, भाजपा द्वारा वायदे ना निभाने की भी नाराजगी है। अब हम वोट भी दे दें और लगे उनको कि भाई वोट इन्होंने, अनिल दुबे जी सुन रहे हैं, मेरठ जो है जाटों का सेंटर है, जाट राजनीति का केंद्र है और आपकी तरफ से महज एक टिकट दी गई है मनीषा अहलावत, बस एक नाम। कितने टिकट दिए गए हैं लिस्ट? नहीं नहीं, लिस्ट उठा करके देख लीजिए कितने टिकट हैं। मैं बता रही हूँ ना जी, आप बता दीजिए होगी मनीषा अहलावत के अलावा आपने मेरठ में किसी और जाट नेता को दी हो टिकट तो मुझे बता दीजिए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, बता दीजिए आप। नहीं तो क्या मैं पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केवल रूपका जी, क्या मेरठ ही आता है क्या? मुजफ्फरपुर नहीं आता, भागपुर नहीं आता, जाट राजनीति का केंद्र है वो? नहीं सभी जगहों पर नहीं, सभी जातियों का लगाया गया है, किसान जाति के किसानों के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को हमने लड़ाने का काम किया है और ये दिखाई नहीं पड़ रहा है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको जनता का किस तरह का बात कर रहे हैं और आप सुनने को तैयार नहीं है? आपको पता है ना अभी अभी बिल्कुल सेंटर में है, वीडियो नहीं दिखा रहे किस तरह आप किस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग गांव में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है? नहीं, वो सारी तस्वीरें दिख रही है, लोग घुसने नहीं दे रहे भाई, इसीलिए तो आज ये सम्मेलन करना पड़ गया ना दुबे जी। लेकिन दो जाट चेहरे बैठे हुए हैं यहाँ पर, वीरेंद्र सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, वो जो कह रहे हैं उनको तो सुन लीजिए। वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। आप कभी हिंदू बना, आप देखिए हिंदू बनाने की बात, देखिए ये इन्हें दुबे जी को जरा बात करो, दुबे जी को बात करो, एक सेकंड सुन लीजिए। देखिए 2004 की बात है शायद, अरे मेरे से कहा था भाई, बीजेपी के साथ थे चौधरी अजीत सिंह, वो सरकार गिर गई थी, फिर मुलायम सिंह के साथ अजीत सिंह जी आ गए थे, इन दोनों का जो तजर्बा है, ये सर फैक्ट्री चल गई थी नवंबर में और फरवरी के शुरू में भाव डिक्लेयर करा था, 2005-06 की बात होगी, ये इनका है तजर्बा, हमारा खराब है क्या कि भेड़िए के ऊपर भेड़ की खाल डाल के कैंडिडेट तैयार कर दिए, कैंडिडेट है समाजवादी के लोक दल का निशान पकड़ा दिया, बेवकूफ नहीं है। 20 सेकंड आज उनकी बात जरूरी है, मेरा कहना यह है कि जाट समाज कुछ भी नहीं भूला है, ना तो भूला है कि 89 में चौधरी अजीत सिंह मुख्यमंत्री बन सकते थे, मुलायम सिंह यादव ने किस तरीके से उनको पटकनी मारी, ये भी भूला है, सुन लो मेरी बात, ना जाट आरक्षण जिस प्रकार से खारिज हुआ भाजपा ने नहीं दिया, ये भी नहीं भूला है, मथुरा की मार्कशीट जो केवल 400 वोटों से जो है आपका कैंडिडेट लोक दल का हारा था, वो सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया, तिवाल खास पर जो जाट लड़ता था वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया, अन्य चीजें कर दी, इन चीजों को सब चीजें बैलेंस्ड है, आज हम सब दोनों चीजों को परख रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जाटों को किसानों को अपने पाले में आप ये कह रहे हैं कि आ जाए पहलवान मैदान में और देख लें कि कौन किस मुद्दे के साथ जाटों को अपनी तरफ लाता है, क्योंकि वो इस वक्त अभी बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।